पहुंची है प्रति सिस्टम की वजह से आपको ऐसा काम नहीं करना, आप कायर नहीं हो, लेकिन पेपर लीक आवाज के मारी है युवा साथियों, पेपर लीक माफियों ने युवाओं के सपनों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी सेकंड गेट वाली स्थिति देखी आपने, वो पकड़ा गया 24 तारीख को, लेकिन वो कह रहे कि 24 से पहले वो चक्कर काटा कि किन किन को बिठा के ले गया, उनको तो दबा दे, किस किस को पेपर दे, उसकी जान तो नहीं है। और यही हालत आपकी, क्योंकि ये इन्होंने कि पूरे देश में गिरोह है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भैया रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दो, NSA। अभी क्या होता है, जैसे रीट में कई पकड़े गए, 100-200 लोग पकड़े गए, उसमें 99% बाहर आके और दोबारा काम धंधे में लगे, काम धंधा को देव देता है, तो वो फिर आप जैसे सपनों को बेचने के लिए वापस आ गए। तो रासू का लागू करो, उसको पकड़ा गया तो वो 12 महीने तक जेल में रहेगा, और 12 महीने जेल में रहेगा, पीछे से उसकी संपत्ति भी जब्त होगी, बुलडोजर चलेगा, तो इसकी हालत में से कस्ता हो जाएगी। तो इनकी कमर तोड़नी चाहिए माफियों की। मैं इन्हें माफियों के पीछे पड़ा हूं और ये माफिया मेरे पीछे पड़े, ऊपरी यादव को मैं तोड़े, इसका इलाज करें। लेकिन मेरा काम, मेरा इलाज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इनका इलाज करना चाहता हूं जो राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का भविष्य बचे, इनके माँ बाप के सपने पूरे हो। सरकार कोई सी भी, मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, आधी बार जेल में रहता हूँ, 19 नवंबर को मुझे जेल में डाला 10 दिन का। उससे पहले मैं गुजरात गया तो 3 बार जेल में डाला, जून में मुझे 4 बार जेल में डाला। किस लिए? आप लोगों के लिए, सीधा टकरा था, सच के लिए लड़ रहा हूं। और एक बार फिर कल सड़कों पे उतर रहा हूं कि ये कानून लागू किया जाए और होने वाली सीटी सहित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को बचाया जाए। अभी जिस कोचिंग का नाम आया है भाई, उस कोचिंग पे उसके बुलडोजर तो चले, उसके कोचिंग सील होनी चाहिए, होनी चाहिए। ढाका 2 व्यक्ति है, अब भैया ये तो पता करिए कहां से लेके आए उसका, तो खुलासा तो करो, पीएससी से लाया, इंडिपेंडेंस देने वाला कौन है मुखिया, सामने लेकर उसको बेनकाब करो, अंतिम करी तक जाओ। सही है सर, जब पिछले साल 14 अक्टूबर को मंसद में बैठा, मैं आईसी में चला गया, मुख्य सचेतक मंत्री महेश जोशी आए, मेरे अंचल प्रवाह कानून की घोषणा की सरकार ने, क्या पेपर लीक नहीं होंगे, हम कानून लेके आ रहे हैं, जो पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा होगी, 10 लाख से 10 करोड़ का उसको आर्थिक दंड होगा, संपत्ति जब्त होगी। मैं भी खुश हो गया, अंचल तोड़ दिया मैंने कि भैया ये लागू होगा, उसके बाद 15 चेक कांस्टेबल और आपकी टेक्निकल पर 3 भर्ती 4 लीक हो गई। लेकिन एक के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो व्यापार कर रहे। अरे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दोगे, उसकी कमर तोड़ दोगे, तो वो दोबारा करेगा क्या? कानून की पालना नहीं कर रहे। सब मिले हुए, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है? हम हो रहा। जब